नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लगातार सातवीं बार देश का आम बजट पेश कर दिया। आम बजट जिस पर हमारी आपकी सबकी नजरें टिकी थी और हम सबको काफी उम्मीदें थी कि जो पिटारा बजट का खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो क्या कुछ मिला है और कौन से सामान सस्ते हो गए हैं, क्योंकि बजट को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा सामान सस्ता हो गया है और कौन सा सामान महंगा हो गया है, किसके लिए आपको जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें, शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं सोने और चांदी से, क्योंकि सोना और चांदी महिलाओं का पसंदीदा गहना होता है और वो उसे खरीदने में काफी रुचि रखती हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। ये आभूषणों के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स को कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी अब कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% कस्टम ड्यूटी जो है वो लगने वाली है। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम में भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक के सामान में आपको थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा आपके लिए महंगा हो सकता है। तो एक एक करके हम आपको ये बता रहे हैं। तो आप साथ ही ये समझिए कि फ्रोजन सी फूड जो है वो सस्ता हो गया है, सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे, सोना चांदी जो है वो सस्ता हो गया है, चमड़े का सामान सस्ता हो गया है, इम्पोर्टेड ज्वेलरी जो है वो भी सस्ती हो गई है और इसके साथ ही बिजली के तार जो है वो सस्ते हो गए हैं। यानी ये सब आप सस्ते दर पर खरीद सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैंसर की दवा सस्ती हो गई है। कैंसर जो जिस बीमारी को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कैंसर की दवाइयां काफी महंगी होती हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है कि कैंसर की दवा अब सस्ती हो जाएगी, यानी कि आपको इसके कैंसर की दवा खरीदने के लिए अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो प्लास्टिक के सामान है वो महंगे जरूर हो जाएंगे, यानी कि प्लास्टिक के सामान अगर आप खरीदने जाते हैं तो वो आपको अब पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं जो आभूषण की शौकीन है, गहनों की शौकीन है, उनके लिए अच्छी खबर है कि सोना चांदी सस्ता होगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।